सभी को नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, कोविड-19 के चलते हमारे विद्यालय लंबे समय से बंद हैं। अब धीरे धीरे विद्यालय खुलना शुरू हो रहे हैं। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय भी खुल गए हैं। एक खबर आ रही है, शायद आपने ही पढ़ी होगी, कि 1 नवंबर से कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय खुलने जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ सप्ताह बाद कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय भी खुल जाएं। मित्रों, जैसे ही विद्यालय खुलेंगे तो बच्चे आना शुरू हो जाएंगे और मिशन प्रेरणा का कार्य स्टार्ट हो जाएगा। साथियों, मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें कक्षा 1 व 2 पर देना होगा। जब विद्यालय में बच्चे आएंगे तो फाउंडेशन लर्निंग शिविर भी चलाना होगा और इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना क्या है, कक्षा 1 व 2 की जो सम्मिलित कक्षा होगी आपको किस सप्ताह में क्या पढ़ाना होगा, आपका लक्ष्य क्या होगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे ये सब। आपको पता होना चाहिए कि आपको फाउंडेशन लर्निंग शिविर में जो 7 सप्ताह चलेंगे उसमें हमें क्या करना है और हमारा क्या लक्ष्य उसके अंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, अगर आप चाहते हैं आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे, तो मैंने इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना। भाषा कक्षा 1 व 2 की सम्मिलित शिक्षा। जो प्रथम सप्ताह है उसके बारे में बात करते हैं। पहले कक्षा शिक्षण के लिए चयनित लर्निंग आउटकम और लक्ष्य क्या होगा। जो पहला सप्ताह होगा उसमें बच्चे सुनकर आवश्यक अनुक्रिया देते हैं, ये हमारा लर्निंग आउटकम होगा। परिचित वस्तुओं व चित्रों के नाम बता लेते हैं, यानी कि हमारी जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे वो इस तरह की पढ़ाई हो, हमारा काम इस तरह का हो जो बच्चे सुनकर आवश्यक अनुक्रिया दें, परिचित वस्तुओं व चित्रों के नाम बता दें, चित्र आधारित एक शब्द के उत्तर वाले प्रश्नों पर मौखिक उत्तर दे लेते हैं, किताब को सही तरह से पकड़ लेते हैं, ये हमारे लर्निंग आउटकम होंगे। लक्ष्य क्या होगा? सुनकर अनुक्रिया देना, परिचित चित्रों वस्तुओं के नाम बताना, चित्र देखकर एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्नों को मौखिक बताना और किताब को सही पकड़ना, ये हमारा लक्ष्य होगा। मान लीजिए आपने बच्चों को एक चित्र दिखाया, बंदर का चित्र दिखाया और पूछा बताओ ये क्या है, तो बच्चे आपको बता दें कि ये तो बंदर है। इस तरह के सवाल बच्चों से पूछें और वो उनका जवाब दे दें, तो यही हमारा लर्निंग आउटकम होगा जो पहले सप्ताह में है। इसके बाद द्वितीय सप्ताह, बच्चे सुनकर निर्देशों का पालन कर लेते हैं। बच्चे परिचित परिवेश चित्र पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे लेते हैं, जो बहुत सरल प्रश्न होंगे उन्हीं के बारे में। बच्चे लेखन पूर्व क्रियाएं जैसे बीजों से पैटर्न बनाना, पिरोना, काटना आदि कर लेते हैं। बच्चे पाठ्य पुस्तक को बाएं से दाएं पलटते हैं, यानी कि पहले सप्ताह में क्या था कि बच्चे किताब को सही तरह से पकड़ लें, और द्वितीय सप्ताह में बच्चों को इतना आ जाए कि वो पेज भी पलटना शुरू कर दें। लक्ष्य क्या होगा? सुनकर सरल निर्देशों का पालन करना, ये हमारा लक्ष्य होगा। चित्र आधारित सरल प्रश्नों के उत्तर देना, लेखन पूर्व क्रियाएं करना, पुस्तक खोलने के सही तरीके जानना। इसके बाद तृतीय सप्ताह, बच्चे सुनी गई कविता कहानी पर सरल प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बच्चे अपने परिवेशीय अनुभवों पर बात कर लेते हैं। बच्चे वर्णों की पहचान कर लेते हैं।
बच्चे बालू में रेखाएं उकेर लेते हैं, बच्चे विभिन्न वस्तुओं से पैटर्न बना लेते हैं जैसे तीली, बीज और फूल। इस तरह से ये हमारे लर्निंग आउटकम होंगे। मान लीजिए आपने बच्चों को कोई कविता सुनाई या कोई कहानी सुनाई या उनकी किताब की और आप उनसे कुछ पूछें तो उसका जवाब दे दें, यही हमारा लक्ष्य होगा। वर्णों की पहचान करना, बालू में पैटर्न बनाना, हवा में लिखना, ये बच्चे हमारा लक्ष्य होगा। इसके बाद चतुर्थ सप्ताह, बच्चे सूची सवालों के मौखिक उत्तर देते हैं, बच्चे सरल कविता कहानियाँ सुना लेते हैं, बच्चे वर्णों की पहचान कर लेते हैं, बच्चे मात्राओं की पहचान कर लेते हैं, बच्चे कुछ वर्णों को लिख लेते हैं। और लक्ष्य क्या होगा? सूची सवालों के मौखिक उत्तर देना, सरल कविता कहानियाँ सुनाना, वर्णों की पहचान करना, मात्राओं की पहचान करना और कुछ वर्णों को लिख लेना, ये हमारा लक्ष्य होगा। इसके बाद पांचवा सप्ताह, बच्चे तर्क आधारित प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं, बच्चे कविता कहानियाँ सुनाते हैं, बच्चे दो वर्णों से बने अमात्रिक शब्दों को पढ़ लेते हैं, बच्चे वर्णों को लिख लेते हैं आधे से ज़्यादा। और लक्ष्य होगा तर्क आधारित प्रश्न क्यों कैसे का उत्तर देना, कविता कहानियाँ सुनाना, दो वर्णों के अमात्रिक शब्दों को पढ़ना और कुछ वर्णों को लिख लेना, ये हमारा लक्ष्य होगा। मतलब पांचवा सप्ताह आते आते बच्चों को इतना आ जाए कि वो कविता कहानी सुनाने लगें, तर्क आधारित प्रश्नों के उत्तर दे सकें और वर्णों को लिख लें, इतना उनमें सुधार हो जाना चाहिए कक्षा एक दो के बच्चों में हिंदी में। अब आ गया है छठा सप्ताह, बच्चे कल्पना आधारित प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं, दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं का वर्णन कर लेते हैं, सुने देखे वर्णनों पर आधारित सरल प्रश्नों के उत्तर देते हैं, अमात्रिक शब्दों को पढ़ लेते हैं, सभी वर्णों को लिख लेते हैं। और जो लक्ष्य है वह है कल्पना आधारित अगर यदि सवालों के उत्तर देना, सरल प्रश्नों के उत्तर देना, अमात्रिक शब्दों को पढ़ना और सभी वर्णों को लिख लेना। इसके बाद सप्तम सप्ताह यानी कि सातवां, बच्चे कविता कहानियाँ सुना लेते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने परिवेशीय अनुभव को बता लेते हैं, कक्षा स्तर अनुसार शब्दों वाक्यों को पढ़ लेते हैं, बारह खड़ी से नए शब्द बनाकर लिख लेते हैं। जो लक्ष्य होगा वो कविता कहानियाँ सुनाना, अपनी ज़रूरत के अनुसार उचित भाषा का प्रयोग करना, स्तर अनुसार शब्दों वाक्यों को पढ़ना और शब्द निर्माण करके लिखना। यानी सातवें सप्ताह में जब फाउंडेशन लर्निंग शिविर का जो लास्ट सप्ताह है उसमें बच्चों को इतना जाना चाहिए, वो अपनी भाषा में आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें, अपने परिवेश अनुभव को बता सकें, कहानी कविता सुना सकें। तो मित्रों ये था इस वीडियो में भाषा के लिए जो कक्षा एक दो की सम्मिलित कक्षा चलेगी, ये जो सात सप्ताह हैं उनकी कार्य योजना है। इससे अगले वीडियो में मैं गणित के लिए जो कक्षा एक दो की सम्मिलित कक्षा चलेगी उसमें क्या करना है सात सप्ताह में, वो सब लेकर आऊँगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।